साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में सीएसबीसी द्वारा पिछले सालों में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। और साथियों, इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, पहला प्रश्न है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर बताइए। तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर है हुन आक्रमण से। देखिए, हुन आक्रमण के परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। और साथियों, हुनों का भारत पर पहला आक्रमण पूछा जाता है किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासनकाल में, सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का प्रमुख योगदान क्या है? तो साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है, एक संगठित स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चोल राजवंश की बात करें तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने। किसने किया था? विजयालय ने। और चोलों की राजधानी कहाँ पर थी? तो तंजौर, याद रखिएगा, तंजौर ये चोल की राजधानी थी। आगे देखिए, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन खाली स्थान द्वारा किया गया? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को साथ में याद भी करते चलिए। तो मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का जो प्रवर्तन किया था, याद कर लीजिए, अकबर ने किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को 1574 में लागू किया था। कब लागू किया था? 1574 में। आगे देखिए, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? औरंगजेब के समय में, याद रखिएगा, औरंगजेब के समय में सबसे अधिक मनसबदार थे। अकबर की बात करें तो देखिए, अकबर ने पूछा जाता है कि तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? तो 1563 में, 1563 में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। 1582 में इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखें। औरंगजेब की बात करें तो इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो किस अंग्रेज व्यक्ति ने किया था श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में? तो इसका सही जवाब है चार्ल्स विल्किंस ने। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान को, याद रखिएगा, इसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चित्रंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि देश बंधु की उपाधि किसे दिया गया है? तो चित्रंजन दास को। चलिए आगे देखिए, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो साथियों, यहाँ पर सातवें प्रश्न का सही जवाब है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और इसी के समय में रहते थे हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का कौन था? दरबारी कवि था। आगे देखिए, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, सारनाथ का जो लॉयन कैपिटल है, ये संबंधित है किससे? तो याद रखिएगा, अशोक से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अशोक से, याद रखिएगा। बिंबिसार की बात करें तो
तो इन्होंने हरियक वंश की स्थापना की थी, शिशुनाग ने नाग वंश की स्थापना की थी, सभी को ध्यान रखें, और कनिष्क जो है याद रखिएगा ये कुषाण वंश का शासक था, और इसी कनिष्क के समय में रहते थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है। 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए, और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो साथियों कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया 1906 में? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है 1924 का बेलगांव का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था पूछ सकता है, और कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ था तो इसे भी याद रखिएगा 1912 में पटना के बाकीपुर में, और अध्यक्षता किया था R.N. माधुलकर ने, और कांग्रेस का ये बिहार में 27वां अधिवेशन था और बिहार में पहला अधिवेशन था, सभी को ध्यान रखिए। बिहार में दूसरा अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का? तो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1922 में, कहाँ पर? तो गया में। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दंती दुर्ग ने, किसने किया था? दंती दुर्ग ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने किया था। पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था? तो सिंह विष्णु ने, सभी को याद रखें। प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है, तो इसका सही जवाब है जल से घिरा होता है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएंगे, चलिए आंसर कीजिए। दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमंड सेन, याद रखिएगा, और उत्तरी ध्रुव पर पूछे तो रॉबर्ट पियरी, सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स व ट्रिगिस नदियां बहती हैं? तो यूफ्रेट्स और ट्रिगिस नदियां जो है ये इराक में बहती है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन इराक। नील नदी की बात करें ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो विक्टोरिया से, याद रखिएगा। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछे तो वोल्गा, वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है, सभी को ध्यान रखें। स्वेज नहर के खुलते ही खाली स्थान और खाली स्थान के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया, तो यहाँ पर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले ध्यान रखना है स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, और इसके खुलते ही लंदन और चेन्नई, याद रखना है लंदन और चेन्नई के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग जो है वो छोटा हो गया। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, ध्यान रखें। देहरादून में और क्या है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये भी देहरादून में है। सिंह जिराफ बाइसन जैसे जानवर खाली स्थान पाए जाते हैं? बिल्कुल शानदार लेवल का प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो साथियों सिंह जिराफ बाइसन जैसे जानवर जो है पर्णपाती वन में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है पर्णपाती वन में। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए ए ऑप्शन में दिया है गेहूं रबी की फसल है, जो कि बिल्कुल सही है। चना दिया है खरीफ की फसल, ये यहाँ पर क्या पूछा गया है कौन सा सही नहीं है? तो बी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है, क्योंकि चना जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। चना किसकी फसल है? तो ये भी रबी की फसल है। बाकी जौ
चावल ये सभी दिया हुआ है सही, खरीफ रबी। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ पर पहला ऑप्शन याद कर लीजिए सही है। प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? तो साथियों, प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना ये अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपक्षय। तो यहाँ पर सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो आंसर होगा आपका ये होगा अपक्षय। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? चलिए भी इसके लिए आंसर कीजिए, कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो याद रखिएगा पालक ये कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, क्योंकि पालक जो है ये आयरन का प्रमुख स्रोत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में आंसर करना है, और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले, और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आप सभी जानते हैं, ये कुचिपुड़ी है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली उत्तर भारत का है। ओडिसी ओडिशा का है। अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना जो कि अमेजन है, ये किस देश में अवस्थित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये ब्राज़ील में अवस्थित है। ध्यान रखना है अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अपवाह के आधार पर, लेकिन दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो नील नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर बताइए 23 के लिए, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ब्रुसेल्स में। याद रखिएगा नाटो का मतलब होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को। सभी फैक्ट को ध्यान रखिए, यूनेस्को पूछा जाता है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में किसका है? तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, सभी को ध्यान रखिए। लंदन में किसका है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, और लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साथियों ये टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वक्षमा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सर्वक्षमा क्या है? तो एक मानव अधिकार समूह है, इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तपेदिक रोग से। कौन सा रोग से? तपेदिक, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, और इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और साथियों WHO का हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। यहाँ पे देखिए एड्स की बात करें तो ये वायरस से होने वाला रोग है। कौन सा वायरस? तो HIV वायरस से होता है एड्स, और विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आर्किड भारत के कौन कौन से भाग में उगाई जाती है? तो साथियों आर्किड की बात करें तो ये भारत के ठंडे और घाटी क्षेत्र वाले भाग में उगाई जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सत्यजीत राय फिल्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पिकासो संबंधित है? देखिए जिस प्रकार बोला जा रहा है कि सत्यजीत राय जो है ये फिल्म से संबंधित है, तो उसी प्रकार पिकासो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा चित्रकारी से संबंधित है। सत्यजीत राय की बात करें तो इनको 1984 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सभी को ध्यान रखें। धारावाहक तार कैसा होता है?
तो देखिए धारावाहक जो तार होता है वो न्यूट्रल होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, चलिए आंसर कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे कब, 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, सभी को ध्यान रखें। योग दर्शन किससे संबंधित है, तो साथियों योग दर्शन की बात करें तो ये पतंजलि से संबंधित है योग दर्शन। और गौतम ऋषि की बात करें जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम ऋषि, सभी को ध्यान रखें। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो देखिए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि और न्याय दर्शन के गौतम मुनि। निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कोयम्बटूर। देखिए कोयम्बटूर, उदयपुर और पूसा में बायोगैस प्लांट कार्यरत है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, तो कोयम्बटूर भी हो जाएगा, उदयपुर भी हो जाएगा और पूसा, इनमें से सभी होगा। कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का लक्षण है, तो इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। और भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, तो देखिए गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में घटिया माल आता है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है, तो द्वितीयक संचय यूनिट कौन नहीं है, तो याद रखिएगा रैम, रैम जो है ये द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है, सभी को ध्यान रखें। रैम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है रोम जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आगे देखिए सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोयम्बटूर में, याद रखिएगा कहाँ पर, कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनको कहा जाता है भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, और इन्हीं की प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, इसके सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है राष्ट्रपति। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है किससे संबंधित है, तो याद कर लीजिए इम्पोर्टेंट है, ये संसद एवं विधानसभा से संबंधित है। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो प्यारे साथियों ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय याद रखना है दादा भाई नौरोजी थे, इन्हें भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। निर्णायक मत क्या है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो तो उसे निर्णायक मत कहा जाता है, जब दोनों पक्षों का जो मत होता है वो टाइड होता है उसी को बोला जाता है निर्णायक मत, ध्यान रखिएगा। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, तो राज्य का समूचा प्रशासन जो है याद रखिएगा राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत, ध्यान रखें। आप लोग कमेंट करके बताइए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है,
तो बहुत ही सिंपल है, ऑक्सीजन है ये लगभग 65% पाया जाता है मानव शरीर में, और ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 21% के आसपास पाया जाता है। सबसे अधिक नाइट्रोजन मिलता है ये 78%। आगे देखिए, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दो समानांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो याद रखिएगा, दो समांतर दर्पण है तो इसके बीच अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। चलिए, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या करेगा? तो याद रखिएगा, यह जो गोला है इलेक्ट्रॉन को खोएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो बहुत ही सिंपल है, मंगल ग्रह। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह बुध है। चलिए आगे देखिए, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, तो 7 कलर होते हैं, ध्यान रखिएगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है तो क्या होगी? उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणामी शून्य होगा, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, या फिर कोई नहीं। तो वेक्टर यानी कि सदिश बोला जा रहा है, तो दो वेक्टर जिनका मान अलग हो तो याद रखिएगा उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है, यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, 50 मिलीलीटर। प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? तो चलिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, यह भी सही है। इसका प्रयोग उर्वरकों के रूप में होता है, यह भी सही है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, ये गलत है। याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन शामिल होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये गलत है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो प्यारे साथियों, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा, कच्चा तेल। कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारा। आगे देखिए, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो बहुत ही सिंपल है, सबसे अच्छा चालक हो जाएगा चांदी यानी कि सिल्वर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से किस प्रसीतक का प्रयोग आजकल नहीं होता है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्रयोग आजकल नहीं होता है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत पूछे कौन होता है? तो इन चारों ऑप्शन में अगर पूछे प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत, तो अंडा हो जाएगा। ऐसे भी प्रोटीन सबसे अधिक मिलता है सोयाबीन में, और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इस प्रश्न को हमने आपको बताया था, इसके अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? तो प्यारे साथियों, सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण गैस करता है। कौन करता है? गैस। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। आंख के मायोपिक दृष्टि यानी अल्प दृष्टि में क्या होता है? तो सबसे पहले ध्यान रखना है, मायोपिक दृष्टि यानी कि निकट दृष्टि दोष, इसमें किस लेंस का प्रयोग होता है? तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है सही करने के लिए। और दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। तो इसमें होता क्या है निकट दृष्टि दोष में?
तो रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित हो जाती है और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है और इसमें जो है फोकस दूरी कम हो जाती है या और क्षमता क्या होती है बढ़ जाती है। तो इन सभी को ध्यान रखेंगे, लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी कम हो जाती है और इसकी क्षमता बढ़ जाती है। आगे देखिए, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है, तो कौन सा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, तनाग्र। सामान्यतः वायरस जो है तनाग्र को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित कर सकता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो साथियों, इंसुलिन की बात करें तो पैनक्रियाज, जिसको हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है, यहाँ से स्रावित होता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है और इंसुलिन के अधिक स्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो वो क्या है? तो त्वचा होता है। सभी को ध्यान रखें। अब चलिए साथियों, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस है जो नहीं पाई जाती है? इसका आंसर सभी को कमेंट करके बताना है और साथ में ये भी बताना है कि वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आंसर के सहित आपको ये PDF भी दिया जाएगा।